सत्प्रेम सिंधु मकरन रसोग धारा सारा न जश्रमभिता श्रवदाश्रिते सु श्री राधिके तब कदा चरणारविंदं गोविंद जीवन धनम सिरसावहामि गोविंद जीवन धनम सिरसावहामि गोविंद जीवन धनम सिरसावहामि राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अपार करुणा वरुणालय अहेतु की कृपालु परम उदार महामहिमाशाली श्री वृंदावन धाम वृंदावन धाम के आराध्य युगल सरकार श्री श्यामा श्याम इनके सुख में सुखी समस्त सहचरी वृंद धाम का समस्त परिकर निज परिकर संबंध आश्रय केवल अपने युगल सरकार के चरणों का। जब तक हृदय में अन्य आश्रय है अन्य बल है तब तक हमारे दुख का अंत नहीं हो सकता। ये मन किसी भी प्रकार शांत नहीं हो सकता। बड़ी से बड़ी साधन वृत्ति अपना ली जाए इसे कितने भी साधन में लगा लिया जाए इसे संभाला नहीं जा सकता। इसका बस एक ही उपाय संबंध श्री युगल सरकार के चरणों से हो जाए। शरीर से वाणी से मन से स्वयं से एकमात्र उन्हीं के चरणों का आश्रय हो जाए। ये सब
उनके चरणों में अर्पित हो जाए, बस बाजी जीत जाता है वह उपासक जिसके हृदय में ये बात बैठ गई कि मेरा संबंध केवल प्रभु से है, संसार से, शरीर से, मन से, इनसे नहीं, केवल प्रभु से। मेरा लक्ष्य केवल उनकी प्राप्ति है। वह कैसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं हो सकता। कोई भी परिस्थिति उसे उसके मार्ग से डिगा नहीं सकती। वह सब कुछ सहता हुआ प्रभु की कृपा के अवलंबन लेकर बढ़ता चला जाएगा और निश्चित निश्चित करुणा करके प्रभु से प्राप्त हो जाते हैं। संबंध जब तक है कहीं भी, इसमें भी, अंदर मन में भी, तब तक दुख निश्चित बना रहेगा। ये दुख नहीं छूट सकता। श्री महाराज जी के वचन 23 घंटे और 45 मिनट आप साधन कीजिए, 15 मिनट के लिए इसे छोड़ दो बस। आपसे बराबर 23 घंटे 45 मिनट लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। ये साधन से नहीं काबू में आता। गुरुजन जब करुणा भरी दृष्टि से देख लेते हैं, जब ये बात देख लेते हैं कि ये मेरा है, अब इसका दूसरा कोई नहीं, बस सारी बात संभलने लग जाती है। लेकिन जब तक हम शरीर को, मन को, संसार को अपना माने हैं, तब तक ये नहीं संभल सकता। रोना पड़ेगा, व्यर्थ में रोना पड़ेगा, बेमतलब रोना पड़ेगा। जैसे आपको कोई परेशानी है, मुझे उससे क्या मतलब, लेकिन आपसे मेरा संबंध है, आप मेरे बहुत प्रिय हैं, तो अब मुझे मतलब हो जाएगा, अब मुझे परेशानी शुरू हो जाएगी। लेकिन जब से आपसे कोई संबंध नहीं, मतलब नहीं, तो हो सकता है सहानुभूति हो, पर आपके दुख से दुखी नहीं होंगे। हाँ ठीक है, चलता रहता है, संसार का नियम है, पर लेकिन जहां संबंध मान लिया मेरे, अब गए, अब आपको दुख जैसे वे हैं वैसे ही आपको भोगना पड़ेगा। क्या करूँ, कैसे करूँ, कैसे इसे संभालूँ, देखो ऐसा ऐसा, अब दुखी हो गए। इससे बचने का उपाय बस एक ही है कि संबंध कहीं ना रह जाए। ये बहुत जोर की बात है, बहुत अद्भुत बात है। हमारा संबंध केवल प्रभु के चरणों में रह जाए, हमारा कोई नहीं। जब तक इस शब्द में, इस गहरे में दूसरा कोई है ना, सच्ची मानना, कोई हमारे दुख को नहीं मिटा सकता, कोई भी हमारे हृदय के कलेश को शांत नहीं कर सकता, चाहे वे कोई हो, सुर नर मुनि, सबको श्री गोस्वामी जी कह रहे, सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, पर हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। आप या आपके अनुराग में छके हुए वे महापुरुष जन, वही हमारे सच्चे अपने हैं। लेकिन ऐसी मूढ़ता छाई है अंदर, जो अपने हम उन्हें बहुत दूर मानते हैं, बहुत उनसे परायापन रखते हैं, और जो पराए हैं, जिनसे केवल कलेश मिला है, दुख मिला है, उन्हें अपना मानते हैं, तो कैसे कैसे बात समझे। सत्संग का सेवन, महापुरुषों का सानिध्य है, ये बात आ जाएगी, निश्चित आ जाएगी। इसी से हृदय शांत हो सकता है, इसी से हृदय विश्राम को प्राप्त हो सकता है। दूसरा कोई उपाय नहीं, कुछ भी कर लीजिए। जब तक आप कुछ भी अपनाएंगे, तब तक आपको रोना पड़ेगा। अब अंदर दुख हो रहा है, अब हम परेशान, भाई गड़बड़ी इसने करी, अब भोगे ये, हम क्यों उसमें परेशान हो रहे हैं। निंदा करी तब बैठे जल रहे, वह ऐसा और ऐसा परेशान। सारी परेशानी की जड़ ये संबंध है। ये समझ जाए, इस मार्ग में आकर इतना ही बस बदलता है। गोस्वामी जी कह रहे हैं
बिगड़ी जन्म अनेक की, अब ही सुधरे आज। क्या साधन कर लिया, क्या कर लिया, अब ही सुधरे आज। बस होई राम को, अब आगे की बात, नाम जप प्रभु के हो जाओ, स्वीकार कर लो हम प्रभु के ही हैं, इस बात को स्वीकार कर लें, श्री श्यामा श्याम के सिवा मेरा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। यदि कोई है तो उनसे है, किसी भी रूप में वे हो सकते हैं, लेकिन हमारा संबंध उनसे है, इसलिए हम किसी को जानते हैं। और यदि आप उनको गौड़ करके किसी और की प्रधानता कर दें तो निश्चित आपके हृदय का दुख बढ़ता रहेगा। देख लो संसार में एक सहज उदाहरण, बढ़िया गाड़ी है, मकान है, नौकरी है, सब जिसे माना जाता है कि यही सुख है, वे सब पूरा है, लेकिन फिर भी आंतरिक क्लेश नहीं शांत हो रही, जलते रहते हैं। ऐसी ऐसी परिस्थिति में जला दिया, मार दिया, क्या हो गया, वही तो है, उसी से तो प्रीति का व्यवहार कर रहे थे, फिर क्यों ऐसा। वो नहीं है जिसके लिए था, जिसकी मांग है वो नहीं है, इसलिए ये दशा है, वे आ जाएगी, स्वीकार कर लो। कहीं भी रहो, कैसे भी रहो, इस बात को मान लो। श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज बहुत जब देखा कि किसी भी तरह जीव का कल्याण होना चाहिए, पर कैसे कल्याण हो, क्या करूं, रात को 12 बजे बैठ जाते चिंतन में, बस नई नई युक्तियां, कैसे सहज उपाय, सरल से सरल, ऐसा क्या उपाय, नाम जब सबसे ज्यादा सरल बताया गया, एक नाम त्रैलोक ही तारे, कोई भी ले आश्रय निश्चित परम पद की प्राप्ति हो जाती है, यदि अपराध रहित होकर, पर फिर भी नाम को पकड़ा रहे, वह सब संभाल देगा, ये बहुत समर्थ नाम की महिमा। पर ऐसी नहीं है दशा कि निरंतर नाम रिटर्न कर सके, क्या उपाय है, जो आप, जो सबका हृदय सहज रूप से इस बात को पा ले, जीवन का परम लक्ष्य प्रभु की प्राप्ति मैं पा ले, क्या है तरीका, बोले एक ही उपाय है, ये जीव कैसे भी इस बात को स्वीकार कर ले, हे भगवान मैं आपको भूलू नहीं, मैं आपका हूं। तो अनेकों जगह देखे होंगे, हे नाथ मैं आपको भूलू नहीं, हे नाथ मैं आपका हूं, आप मेरे हैं, अनेकों जगह बस इतनी बात, बोले तुम इस बात में रहो, प्रभु जैसो तैसो तेरो, हे प्रभु आपके सिवा मेरा कोई नहीं। बड़े बड़े चमत्कार इस बात से हो गए, आप जहां हो जैसे हो बस इस बात को मान लो, घर में रहो, व्यवहार में रहो, वैराग्य में रहो, जब तक ये बात नहीं है तो वैराग्य सार्थक थोड़ी, प्रभु से अपनापन हो जाए, प्रभु बस मेरे प्रभु, मैं प्रभु का, ये बात सब बातों की बात है। गोस्वामी जी कह रहे अनेक जन्मों की बिगड़ी अब ही बन जाएगी, क्या करना है, तुम ये बात स्वीकार कर लो, प्रभु मेरे हैं, मैं प्रभु का हूं। जो ही इस बात को स्वीकार किया जाता है कि प्रभु मेरे हैं, मैं प्रभु का हूं, सब कुछ ठीक होने लग जाता है, ये चमत्कार में ही बात है, सब कुछ ठीक होने लग जाता है। मन जो इतना चंचल है, बहुत परेशान करता है, भजन में नहीं लगता, प्रभु की ओर नहीं लगता, जहां बात स्वीकार करी मेरे प्रभु है, मुझे मन से क्या मतलब, अब हो गया ठीक, देखो तत्काल देखो होने लगा ठीक, हाँ हाँ, क्योंकि उसका अस्तित्व नहीं है, वे आपके बल से बलवान है, हमने उसे मान लिया अपना, अब वह बस दुखी किए हुए हैं, क्योंकि अनंत जन्मों से उन्हें अपनी गुलामी कराई, अब कैसे छोड़ेगा, अब बस एक ही तरीका है, इससे दूरी कर ले, इससे संबंध छूट जाए, और ये संबंध तभी छूट सकता है जब हम संबंध को पकड़ लें, अपना संबंध केवल प्रभु से, मेरे बल श्री वृंदावन रानी, दूसरी बात न रह जाए, इतनी बात दृढ़ता से अंदर आ जाए, सच्ची सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा।
ऐसी बात गुरुजनों से सुनी कि आज तक बड़े बड़े महापुरुष जन यदि इस मन को जीत पाए हैं या अपने आप को कृत कृत्य कर पाए तो एक ही बात से, पायो परम विश्राम राम समान तहु नाहिक। प्रभु के चरणों को स्वीकार करके उन्हें अपना मान लेने से तभी विश्राम प्राप्त हुआ, नहीं तो कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं। इसकी पुष्टि ये सहज रूप से हमारे हृदय में आ जाए, ये भक्त संघ से, महापुरुषों के सानिध्य से, सत्संग से हो जाता है। ये थोड़ी देर सुनेंगे, हो सकता है विवेक के द्वारा विचार करें, पर हृदय में बैठ जाए ये बड़ी बात है। थोड़ी देर में ये आएगी बात कि हाँ सही बात है, फिर हट जाएगी। इस निरंतरता के लिए कहा है महापुरुषों की आज्ञा का पालन, भक्तों का संग, उनके संग का प्रभाव है, ये रंग चढ़ जाएगा हमारे हृदय में, ये बात बैठ जाएगी। प्रभु की कृपा से अपने को प्रकट रूप में भक्तों का संग और अप्रकट रूप में हमें नहीं दिखाई दे रहे पर है, उनके चरित्रों का श्रवण कथन प्रसंग चल रहा है। श्री मीरा जी अपने माधवी स्वरूप को देख रहे हैं, जब लालजू महाराज ब्रज से चले गए मथुरा के लिए तो चारों ओर हाहाकार हो गया, अद्भुत प्रेम दशा, अद्भुत विरह दशा ब्रजवासियों की। जो कोई कान कान कही बोलत अखियन बहत पनारे, ब्रज के बिरही लोग विचारे, बिन गोपाल ठगे से ठारे, अति दुर्बल तन हारे, ब्रज के बिरही लोग विचारे। ये देखकर कि ऐसी ब्रज के ऊपर संकट, मीरा जी मूर्छित हो गए। ललिता जो साथ ही थी तत्काल उन्हें सचेत किया, जल पिलाया और कहा उठ, अब वह अमानिशा चली गई, अब तेरे जीवन का सूर्य उदय होने वाला है, महामंगल अब आने वाला है, वे सब कुछ चला गया, ये पुरानी बात हो गई। तो एकदम याद आई कि ये चंपा ये कौन है, क्योंकि संग में रही ना इतने समय, तो बचपन से ही साथ अलौकिक भाव से मिली थी इन्हें बाग में, वहाँ के कहा था कि मेरा कोई नहीं, उनके परिवार वालों ने पूरे नगर में ढिंढोरा फिटवा दिया कि एक इतने बरस की बालिका है, यदि किसी की हो उस बाग में रह गई हो तो आकर ले जाए। 8-10 दिन देखा गया पर कोई नहीं आया, उन्होंने कहा कि बस मैं आप ही के समीप रहूँगी। तब से श्री चंपा जी अलौकिक भाव से कहीं जन्म नहीं लिया, सीधा प्रकट, उनको कहो अवतार लेकर ही आई इनके लिए, आई और साथ रहे, वृंदावन आकर ये फिर नित्य श्री जी की सेवा में चली गई। कहा चल दिखाती हूँ, ललिता जो साथ लेकर उन्हें चल जा रहे हैं, मीरा जी देख रही है दिव्य वृंदावन की शोभा, कहीं स्वर्णमयी भूमि, कहीं स्फटिकमयी भूमि, कहीं हरितमणि आदि आदि से रची हुई भूमियाँ हैं, चारों ओर दिव्य कांति छाई हुई है, वृक्षवल्लरी पुष्प पत्र फल भी ऐसा लगता है मानो मणि के हैं, इतनी शोभा से युक्त है, स्वर्ण रजतमय है जैसा वरण, उनकी शोभा देखते नहीं आते, नवम नवम शोभा। यहाँ के पुष्पों की सौरभ, दिव्य प्रकृति, और ऐसा लगता है कि अलौकिक भाव में हमें पहुंचा रही है। अब ये सब दिव्य भाव में देख रही है और उनका हृदय उन्मत्त हो रहा है, अब शरीर उनका साधारण नहीं रहा, चिदानंद में शरीर हो गया श्री मीरा जी का, वे उस भाव से देख रहे हैं, निरंतर उसकी सौरभ से, वहाँ की आभा से चित्त और उन्मत्त होता चला। थोड़ी थोड़ी जैसे जैसे आगे बढ़ती है दिखाई देती है, कहीं ग्रीष्म ऋतु है, कहीं वर्षा ऋतु है, कहीं
शिशिर, हेमंत, कहीं बसंत, ये ऋतु है थोड़े थोड़े से दूरी पर विराजमान है। मीरा जी आश्चर्य में शोभा देखती हुई चल रही है, और वैसे ही जैसी ऋतु वैसे ही वहां की संपूर्ण वातावरण हो रहा है, पत्र पुष्प फल आदि सब वैसे ही। वहां की लता पताए, ललिता जो साथ है ना, ऐसा लगता है मानो अनुरोध कर रही है कि हमारे प्राण प्रीतम कब आएंगे, कब हम उन्हें देखेंगे, श्री श्यामा श्याम को आप कृपा कर कर उन्हें लिया। बार बार झुकती हैं, प्रणाम करती हैं, ऐसा लगता है ऐसे आप कृपा करके उन्हें लाइए, हम देखने के लिए तरस रहे, बुलाते हैं। तो आश्वासन देते हैं, आएंगे, अभी आएंगे, निश्चिंत रहो, जरूर आएंगे। वहाँ के पशु पक्षी, खग मृग आदि जो जोड़े हैं सब ऐसे पास आ जाते हैं, ललिता जी को चाटते हैं, मीरा जी से दूर रह रहे, उनको नहीं स्पर्श करते, आए पास और फिर बार बार कुछ इशारा करते हैं, मीरा जी दुलार करते हैं उनके मस्तक पे हाथ रख के, बोले हाँ आएंगे आएंगे, अवश्य आएंगे, निश्चिंत रहो, अभी जब वन विहार करने के लिए प्रिया प्रीतम पधारेंगे ना, फिर तुम्हें दर्शन लाभ होगा, धैर्य धारण करो, अभी आने वाले जीवन है श्यामा श्याम, अभी तुम्हें आकर दर्शनानंद प्रदान करेंगे, धैर्य धारण करो। मीरा जी के स्पर्श से बचते हैं तो ललिता जी कहते हैं, अरे ये तो अपनी है, इससे दूरी क्यों करते, ये अपनी है। फिर इतना कहा तो पास आ जाते हैं, इतना कहने से एक छोटी सी चिड़िया आकर हाथ पे बैठ गई ललिता जी के, और ऐसे सर घुमा घुमा के कुछ संकेत करती है, ऐसे ऐसे। मीरा जी समझ नहीं पा रहे कि वह क्या कह रही है। ललिता जी ने कहा, हाँ हाँ किशोरी जी की बिना इच्छा के थोड़ी कुछ हो सकता है, किशोरी जी ने आज्ञा प्रदान करी है, किशोरी जी ने इसे स्वीकार कर लिया, उसी के लिए पूछ रही है, इसे किशोरी जी ने स्वीकार कर लिया है तभी तो यहाँ है, अगर उनकी इच्छा ना होती, उनकी कृपा ना होती तो ये यहाँ कैसे होती, यहाँ कैसे भला। वो ऐसे करते फिर उड़ जाती है, पशु पक्षी भी उनसे बात करते। ललिता जी और मीरा जी संग संग चले जा रहे हैं, बार बार उन्हें रिझा रहे हैं, थोड़ी थोड़ी दूर पर ललिता जी को देखकर नाचते हैं, कूदते हैं और बहुत प्रसन्न हो रहे हैं कि अभी प्रभु आएंगे, उन्हें देखने को मिलेगा। छोटे छोटे स्रोत हैं, उन पर शिलाएं रखी हुई हैं, और सब स्रोत ऐसे जुड़कर यमुना जी में जा रहे हैं। यमुना जी में दिव्य कमल, सुंदर सुंदर सौरभ से युक्त, मानो स्वर्ण के, मणि के, चांदी के आदि ये हैं, उन पर चलकर ये सब छोटे छोटे स्रोत हैं, कहीं थोड़े बड़े उन पर शिलाएं, कहीं झरने, ये सब शोभा का दर्शन करते हुए जा रहे हैं। पुल बना हुआ है, मणि का पुल, उस मणि में पुल से होकर बहुत दिव्य शोभा है। वृंदावन महिमा मृत में प्रभुदानंद जी महाराज अनेकों जगह वर्णन किया, दिव्य शोभा। वहां से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि यमुना जी के पुलिन पर ऐसा लगता है मानो मोतियों को पीस करके बिछा दिया है, चारों ओर सुंदर सोर मोती ही है रेणुका, और अति सुकोमल। वहां से आगे बढ़े तो हरितमयी आभा से दूरवा सब है, लगती है कि मणि की दूरवा है, ऐसी उसकी शोभा है, लेकिन अगर उसका स्पर्श जब करते हैं तो अब उसकी वर्णन क्या करें। ये जो दूरवा है ना, इससे अनंत गुना कोमल, बहुत शोभा में। ऐसे आगे बढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा, नाम लेते हैं, वो बताती चल रही है ललिता जी साथ में, ऐसा ऐसा लाल जी प्रिया जी, तो नाम सुनकर
वहाँ के समस्त परिकर प्रेम परवश हो जाता है। ऐसा रोमांच होता है कि उस पक्षी को पहचानना मुश्किल हो गया कि ये कौन सी जाति का पक्षी है। जैसे कोई, आप ले लीजिए कोई भी पक्षी, यहाँ का सुखसारिका आदि, उनको प्रप्रिया पीतम का नाम सुनकर ऐसा रोमांच होता है कि उन्हें पहचानना मुश्किल हो जाता है। ऐसी आभा, ऐसा प्रेम उन्माद उनके हृदय में वहां से बनी। चारों ओर दिखाई दे रहा, मीरा जी की दृष्टि बदली कि सर्वत्र श्री श्याम सुंदर और श्री किशोरी जी मई है। अभी तक देख रहे थे इस भाव से, अभी और कृपा हुई। लता पता यमुना जी खग मृग पशु पक्षी सब में श्री श्यामा श्याम दिखाई दे रहे, सर्वत्र प्रिया प्रीतम का दर्शन हो रहा है। ऐसा लगता है मानो कि यहाँ केवल प्रिया प्रीतम ही बसे हुए हैं, या प्रिया प्रीतम के ही इन सब रूपों में बने हुए हैं। दोनों ही भाव उन्हें दर्शित हो रहे हैं। आगे बढ़ी, चलती हुई देखते हुए चल रही है शोभा को। वहां से आगे बढ़ी, देखा कि एक जल स्रोत के समीप एक बहुत सुंदर ब्रज युवती पड़ी हुई है। जल स्रोत है उसके समीप ही, उसकी दशा ऐसी है मानो कि जल से निकाली हुई मछली तड़पती हुई एकदम बिकर, नेत्रों से आंसू कहना छोटा शब्द है, आंसू कहना छोटा शब्द है। नैनन पिचकरा छुटत, एक आध बूंद आ जाइए नहीं, निरंतर अश्रु का प्रवाह हो रहा है, अजस्र वर्षा नेत्रों से हो रही है आंसुओं की। आश्चर्य हुआ कि ये कौन है, तो उसी समय देखा कि वहां एक नव किशोरी पधारी, उसी जो सखी है ना उसके समीप, और आकर ऐसे उसे उठाया, उठाकर अपने आंचल से उसके आंसू पहुंच रही है और पूछ रही है, क्या परेशानी है तुझे, क्या दुख है। मीरा जी ने जब गौर से देखा तो दिखाई दिया कि ये जो स्रोत के पास ब्रज युवती है, ये कोई और नहीं माधवी है, उन्हीं का स्वरूप है, वही माधवी है। एक बार को तो उनके हृदय में भी हुआ कि ऐसा क्या हुआ, क्यों इतना ये विकल है। पर अभी दूर से देख रहे हैं चंपा जो और ललिता जो, ललिता जो और मीरा जो। चंपा उनके पास आई, जो नवकिशोरी आई थी उनका नाम था चंपा, उन्हीं का परिचय कराने के लिए श्री ललिता जी उन्हें लिए जा रही है। उठाया और कहा कि तुम कौन हो और इतने विकल क्यों हो। तो बताया कि मैं यहाँ नंदीश्वर में मेरा विवाह हुआ और सुंदर नाम के गोप की बहू हूँ। अरे अच्छा, मैं बहुत प्रसन्न हुई, बहुत सुंदर स्वरूप है। कहा कि धीरज क्यों खोती हो। बोले श्याम सुंदर चले गए, अब क्या जीवन। बोले तो इसमें तुम इतना विकल क्यों हो रही हो, जो तुमने खोया है वही सबने खोया है, धैर्य धारण करो। ऐसा धैर्य यदि छोड़ दोगी तो कैसे काम चलेगा। अब इतना जो ही सुना वो और रोने लगी। कहा कि दूसरी जो सखी जन है उन्होंने मेरी समता में क्या खोया, जो मैंने खोया है उन सब ने वह नहीं खोया। मुझे जैसा दुर्भाग्य प्राप्त हुआ है वे और किसी को नहीं हुआ। आश्चर्य में पूछा कि ऐसी क्या बात है, आज ब्रज में सभी जन अपने को बहुत होड़ लगी ऐसा मानो कि मैं सबसे बड़ा दुर्भाग्य हूँ, हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य, पर तुम विशेष बात कह रही हो कि जो सबने खोया है ऐसा नहीं है, मैंने जो खोया वह किसी और ने नहीं खोया, क्या है बताओ तुम अपने। इतना सुंदर स्वरूप तुम्हें मिला है
अब इतना जैसे ही सुना कि इतना सुंदर स्वरूप मिला है और फूट फूट के रोने लगी और पिकल हो गई, धैर्य धारण कराया, उनकी वाणी निकल ही नहीं रही। बार बार संभालती हैं कि बता क्या बात है, तो जैसे तैसे धैर्य धारण किया, बताने को हुई तो होठ फड़फड़ाए फिर चुप हो गए, फिर संभाला, फिर कुछ कहने को हुई तो अब बोलने को ही तो नेत्रों से फिर अश्रु प्रवाह शुरू। विकलता देखकर एक बार तो चंपा जी का भी हृदय विकल हो गया। तो ऐसे थोड़ा सा बाहरी गुस्सा करते हुए झिड़का, हे अगर अब ठीक से नहीं बताए ना तो देख फिर मैं तुझे ऐसे चपत लाऊं, प्रेममयी डांट। कैसा रूप दिया और इसे बिगाड़ना, क्या ठीक है, क्या मुंह दिखाएगी श्याम सुंदर जब आएंगे लौट कर। इस आस में सब जीते हैं, लौट कर आएंगे, बस यही बात, अपने आप को स्वस्थ रखा है ना, बस इसलिए आएंगे, परसों आएंगे, परसों की कहकर गए थे ना, उसका नाम भी सी परसों गांव पड़ा हुआ है, आएंगे इस आस में। वे कह रही थी, चंपा जी ने कहा कि जब श्याम सुंदर लौट कर आएंगे तो क्या मुंह दिखाएगी। अब ये बात जैसे ही सुनी तब तो और उनका बांध टूट गया। अब चंपा जी पे संभालना मुश्किल हो गया, उनका भी हृदय रो पड़ा। पर अंदर से विचार किया कि यदि मैं भी इसके साथ रोने लगी तो ये मर जाएगी, इसके प्राण छूट जाएंगे। अपने आप को संभाला और डांटा कि हम बाहर से गुस्सा करते हुए ऐसे कि यदि अब तो चुप नहीं हुई ना तो ठीक है मैं जाती हूँ, मेरे से तुझे क्या मतलब, मैं पराई हूँ ना। इतना जो ही कहा वे चुप हो गए कि नहीं नहीं ऐसा मत कहिए, आप ही तो अपनी है। कहा बता क्या बात है, क्यों इतना तू विकल है, क्या परेशानी है। फिर उन्होंने अपनी पूरी बात बताई कि ऐसा ऐसा हुआ, माँ ने जो शिक्षा दी और उसके बाद यहाँ तक तो ठीक था, पर दर्शन होने के बाद जो प्रभु ने कहा कि कलिकाल में जन्म लेकर तब तुम मुझसे मिलोगे, ये भयानक सत्य है, इसलिए कहती हूँ जैसा मेरा दुर्भाग्य वैसा किसी और का नहीं। एक बार को तो चंपा जी भी डर गए कि बात तो सही है, इतना विचित्र तुझे दूरी, कलिकाल में कहाँ जाएगी, किसका अवलंबन होगा, किन गलियों में कैसा कौन संभालने वाला होगा। अब उनकी गोद में माधवी जी ने सर रखा और रोने लगी। चंपा जी थोड़ी देर बैठ गई शांत, कुछ कहा नहीं, क्योंकि इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं, इस बात का कोई हल नहीं, ऐसी बात है। वे भी चुप हो क्योंकि प्रभु के वचन है, वे सत्य है, तल नहीं सकते। कहा कि ऐसा दुर्भाग्य तो ब्रज के किसी पशु का, किसी पाहन पत्थर का भी नहीं जैसा तुझे प्राप्त हुआ। लेकिन सुन, अब यहां चंपा जी जिसलिए आए, सुन माधवी, कलिकाल में चाहे कितनी भी दूरी क्यों ना हो, कितने ही विलंब से क्यों ना आए, तुझे चाहे जहां जाना पड़े, जैसे भी रहना पड़े, मैं तेरे संग चलूंगी। ये चंपा जी का वचन, मैं तेरे साथ चलूंगी तुझे अवलंबन देने के लिए, कोई भी तेरे ऊपर आँच ना, इसलिए मैं तेरे साथ रहूंगी। और अब रोना बंद कर दे, मेरी बात सुन, श्याम सुंदर कभी किसी के प्रति प्रतिकूल व्यवहार कर ही नहीं सकते, प्रभु का प्रत्येक विधान मंगल में, हम समझ नहीं पाते, वे कठोर हो ही नहीं सकते किसी के प्रति, वे जो कर रहे हैं महान मंगलवाद, वास्तविक ऐसा ही, यदि वे कृपा करके यहाँ अवतार धारण नहीं करती तो आज हम सब उनकी चर्चा करके सुनकर कैसे प्रभु से प्रियता की बात हृदय में धारण करते, इनकी कृपा अवश्य ही इसमें तेरा
मंगल निहित है। और चल, मैं तुझे ऐसी जगह ले चलती हूँ जिनकी दया, लालजू के लिए कह रहे हैं, जिनकी दया, करुणा, कोमलता, मधुरता, कृपा मूर्तिमान होकर विराजमान है, किशोरी जी के समीप ले चल सकते। चल। ललिता जू, मीरा जू देख रही हैं, माधवी जी कहते हैं कि चंपा सखी, मेरे लिए भयानक कलिकाल में आपने आना स्वीकार कर लिया। अब चुप रहे, ये सब कुछ नहीं, और साथ लेकर श्री जी के समीप में शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।